बिग बॉस ओटीटी 2 के बाद चमकी मनीषा रानी की किस्मत। डांस की क्वीन बिहार की रानी ने किया इस बड़े बॉलीवुड एक्टर के साथ कोलैब। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल बिग बॉस ओटीटी 2 में काफी सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, एक्टर्स का समावेश हुआ। साथ ही साथ यहां पर यूट्यूब पर अपने डांस और अपने बिहारी एक्सेंट से धमाल मचाने वाली बिहार की क्वीन यानी कि मनीषा रानी भी ने खूब लाइमलाइट बटोरी। 2 साल से वो कोशिश कर रही थी बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में आने के लिए और अपने डांस और अपने बिहारी एक्सेंट के ऑडिशन के जरिए उन्होंने इसकी कामयाबी भी हासिल की। उनकी पॉपुलैरिटी आए दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्द ही वो सिंगर टोनी कक्कर के साथ उनके म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है अपने फैंस के सामने। अब अपनी डांस की ऊंचाइयों को वो बॉलीवुड तक लेकर चली गई हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विकी कौशल जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली में नजर आने वाले हैं, जिसका गाना है कन्हैया ट्विटर पर आजा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। विकी कौशल ने अपनी मूवी और अपने गाने को प्रमोट करने के लिए डांस की रानी मनीषा रानी का साथ लिया है और दोनों ने मिलकर इस गाने पर खूब धमाल मचाया है सोशल मीडिया के जरिए। अब मनीषा रानी ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीषा रानी अब कौन कौन से नए बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ कोलैब करेंगी और कौन कौन अब मनीषा रानी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएगा अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। फिलहाल विकी कौशल और मनीषा रानी की जोड़ी आपको कैसी लग रही है हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।